आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ के पहले चैप्टर जिसका नाम वास्तविक संख्या है। इस वास्तविक संख्या को समझने से पहले वास्तविक संख्या और किन किन संख्याओं से मिलकर बनी हुई है इसको समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वास्तविक संख्या का डेफिनेशन देना तो बिल्कुल आसान है कि उसका डेफिनेशन बिल्कुल आसानी से दिया जा सकता है, लेकिन उससे पहले कौन कौन ऐसी संख्याएं हैं जो मिल करके वास्तविक संख्याओं का निर्माण करती है, उनका बेस क्या है, उनकी जड़ें क्या है, उनके जड़ों को समझना ज्यादा जरूरी है। जिसमें पहली संख्याएं आती है वास्तविक संख्या, सॉरी प्राकृतिक संख्या। अब हम क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्याओं को समझने के लिए हम इनके परिभाषाएं निकालेंगे और इनका परिभाषाएं क्या होता है ये समझेंगे। हम अपने जीवन में किसी वस्तु को गिनना होता है तो गिनने की शुरुआत किससे करते हैं, जीरो से या वन से। तो हम जानते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं अगर उन्हें गिनना होगा तो उनकी शुरुआत हम वन से करेंगे, वन के बाद बढ़ेंगे वन टू थ्री फोर फाइव डॉट डॉट, जितनी भी संख्याएं होती है हम गिन लेते हैं। तो इन्हीं संख्याओं का नाम होता है प्राकृतिक संख्या। वे संख्याएं जो गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन, वे संख्याएं जो गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे यह हमारा हेडिंग भी यही है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ये हम यहां पे लिख रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव डाटा। आप बताएं हम इनका प्रयोग कहां करते हैं, तो गिनने के लिए। सिंपल है, ये किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, गिनने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो हमारे पास प्राकृतिक संख्या का परिभाषा निकल गया सिस्टमेटिक। सिंपल बोलेंगे, वे संख्याएं जो गिनने के लिए प्रयोग की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन, वे संख्याएं जो गिनने के लिए प्रयोग की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब बहुत से लोग कह देते हैं प्राकृतिक संख्याएं कितने तरह की होती है, तो हम बोलेंगे प्राकृतिक संख्याएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला क्या बोलेंगे, ये प्राकृतिक संख्या के प्रकार में भी देख लेते हैं, ऐसे प्राकृतिक संख्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर। ये कितने होती है तो हम बोलेंगे ये दो होती है। पहला होता है धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ये पहला क्या होता है, ये धनात्मक प्राकृतिक संख्या होता है ये, और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या ये। पहला होता है धनात्मक प्राकृतिक संख्या और दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। अब कोई कहे धनात्मक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो वे संख्याएं जो धन, जिनके आगे धन का चिन्ह होता है, यानी वे संख्याएं जो धनात्मक होती हैं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो धनात्मक होती हैं, उन्हें हम धनात्मक प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और वे प्राकृतिक संख्याएं जो ऋणात्मक होती हैं, उन्हें हम ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दोबारा सुनेंगे, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, सिंपल डेफिनेशन, वे संख्याएं जो गिनने के लिए प्रयोग की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और जैसे वन टू थ्री फोर फाइव डॉट, इसके बाद प्राकृतिक संख्याओं के प्रकार समझेंगे, तो हम बोलेंगे प्राकृतिक संख्याएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला होता है धनात्मक प्राकृतिक संख्या और दूसरा होता है ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। अब ये क्वेश्चन है, धनात्मक प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो हम धनात्मक और ऋणात्मक
संख्या का परिभाषा दे देंगे कि वे प्राकृतिक संख्याएं जो धनात्मक होती है उन्हें धनात्मक प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या का क्या परिभाषा देंगे? वे प्राकृतिक संख्याएं जो ऋणात्मक होती है उन्हें ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे धनात्मक में हम तो सिस्टमेटिक यही लिख सकते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5 डन। लेकिन ऋणात्मक आएगा तो -1 and -2, -3, -4 ये डाटा। ये कौन सी प्राकृतिक संख्या है? ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। तो हमें प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पता चला, क्या पता चला? कि वे संख्याएं जो गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, पहला धनात्मक प्राकृतिक संख्या और दूसरा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। अब क्वेश्चन ये है, धनात्मक प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो धनात्मक होती है उन्हें धनात्मक प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे +1, +2, +3, +4, +5 वगैरह। इसके बाद आता है ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। हम बोलेंगे वे प्राकृतिक संख्याएं जो ऋणात्मक होती है उन्हें ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4 डॉट। ये सब ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या है। इसके बाद से हम थोड़ी सी और भी बात करेंगे पूर्ण संख्या का। ये इसका दूसरा भाई आता है पूर्ण संख्या। देखें पूर्ण संख्या क्या होता है। अगर मैं यहां पे लिखूं 1, 2, 3, 4, 5 डाटा, मैं बोलूं बताएं ये कौन सी संख्या है, तो आप बोलोगे 1, 2, 3, 4, 5 जो ये दिख रहा है ये तो प्राकृतिक संख्या है। तो मैं भी कह रहा हूं ये कौन सी संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। लेकिन इस प्राकृतिक संख्या में बस आगे क्या मिला दे शून्य, तो हमारे पास क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का क्या परिभाषा निकला? सिंपल बोलेंगे प्राकृतिक संख्याओं में शून्य मिला देने पर, दोबारा से, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य मिला देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। दोबारा से, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य मिला देने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके बाद से तीसरा पॉइंट आता है, ये पूर्णांक। अब हम पूर्णांक के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, पूर्णांक क्या होता है। मैं यहाँ पे जो संख्याएं लिख रहा हूं आप बताएंगे क्या है। जैसे मैं लिखू 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे डाटा, मैं पूछू ये कौन सी संख्या है, तो आप बोलोगे ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो जो 0 से स्टार्ट होगा ये कौन सी संख्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। दैट मींस जो ये नंबर मैं लिखा हूं ये नंबर क्या है, तो ये पूर्ण संख्या है। मैं लिख दे रहा हूं ये है पूर्ण संख्या। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे कुछ और नंबर मैं लिख रहा हूं, ये -1, -2, -3, -4 ऐसे डॉट डॉट कर दिया, तो आप देखिए -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट ये कौन सी संख्या है, तो आप बोलोगे ये सब ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या है। कौन सी प्राकृतिक संख्या है? ये ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। ये अब आप देखें इसके इधर वाला क्या बन गया? पूर्ण संख्या। इधर वाला क्या बन गया? ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। अब सबको एक साथ मिला दिए तो क्या बन गया? पूर्णांक। तो हमारे पास पूर्णांक का सिस्टमेटिक डेफिनेशन निकल जाता है। क्या डेफिनेशन है? तो हम सिस्टमेटिक ये बोल देंगे पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या मिला देने पर, दोबारा सुने बोलेंगे पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या मिला देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक कहते हैं। ये क्लियर हो गया? हमारे पास तीन ही डेफिनेशन अभी तक क्लियर हो गए। पहला हमारा डेफिनेशन क्या है, तो हम बोलेंगे ये सिस्टमेटिक प्राकृतिक संख्या का परिभाषा, वे संख्याएं जो गिनने के लिए प्रयोग की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, पर ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, पहला होता है धनात्मक प्राकृतिक संख्या और दूसरा होता है ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। अब धनात्मक प्राकृतिक संख्या और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या क्या होती है?
होती है तो ये समझे, बोलेंगे वे प्राकृतिक संख्याएं जो धनात्मक होती है उन्हें धनात्मक प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो ऋणात्मक होती है उन्हें ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके बाद से आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का क्या डेफिनेशन होगा, तो सिंपल बोलेंगे ऐसे, ये प्राकृतिक संख्या, ये 1, 2, 3, 4, 5 यहां से इधर प्राकृतिक संख्या है, इसमें मैंने 0, 0 बस ऐड कर दिया, तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य मिला देने पर, दोबारा से प्राकृतिक संख्याओं में शून्य मिला देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके बाद से हमारा आता है पूर्णांक। अब मैं 0 से शुरू करके ये लिख रहा हूं, 0, 1, 2, 3, 4 ये डाटा, ये कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या। अब मैंने इसमें -1, -2, -3, -4 मैंने ऐड कर दिया, तो ये सब क्या है, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। तो पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या मिला देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद से हमारे पास एक और डेफिनेशन आते हैं, ये होते हैं परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या, दैट इज रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या को समझने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन है इसको समझने के लिए। कोई भी संख्या है, परिमेय संख्या है तभी हो सकती है जब पहला नंबर वह p बटे q के रूप का हो, दूसरा नंबर p और q दोनों पूर्णांक हो, और तीसरा नंबर कि जो उनका हर हो, q is not equal to 0, यानी q का मान 0 के बराबर न हो। तो हमारे पास फिर से ये परिमेय संख्या को समझने के लिए तरीके सीखे। कोई भी संख्या है, परिमेय संख्या है तभी हो सकती है जब वह 3 कंडीशन का पालन करे। फर्स्ट कंडीशन क्या है, कि वो p by q के रूप का हो। सेकंड कंडीशन क्या है, तो उसका p और q दोनों के दोनों पूर्णांक हो। और थर्ड कंडीशन क्या है, कि q का मान 0 के बराबर ना हो, क्योंकि अगर q का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो जैसे ही उसका हर 0 होगा, तो 0 में किसी संख्या से, सॉरी 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो इंफिनिटिव होता है, और इंफिनिटिव अपरिभाषित होता है, इसलिए q का मान 0 के बराबर नहीं लेने हैं। तो हमारे जो कंडीशन है हम उसके हिसाब से डेफिनेशन देंगे। पहले क्या बोलेंगे, कि ये परिमेय संख्या है। पहला कंडीशन क्या है, ये p बटे q के रूप में हो। दूसरा क्या है, p एंड ये q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो। और तीसरा क्या है, कि q is not equal to क्या हो, 0। पहला परिमेय संख्या होने का कंडीशन क्या है, तो फर्स्ट कंडीशन यह है कि वो p by q के रूप का हो, दूसरा p और q दोनों पूर्णांक हो, पूर्णांक का मतलब इनमें से कोई नंबर हो। तीसरा कंडीशन कि इस q का मान 0 के बराबर ना हो, that means q is not equal to 0। तो हमारे पास जो संख्या मिलेगी जो इस कंडीशन का पालन करेगी वो परिमेय संख्या है, अन्यथा वो परिमेय संख्या नहीं है। तो हम कैसे डेफिनेशन देंगे परिमेय संख्या का, ये समझ लीजिए। हम बोलेंगे सिंपल, वे संख्याएं जो p बटे q के रूप की होती है, जिसमें p एंड q क्या हो, पूर्णांक हो। दोबारा सुन लीजिए, वे संख्याएं जो p बटे q के रूप की होती है, जिसमें p तथा q दोनों पूर्णांक हो, और q is not equal to 0, और q का मान 0 के बराबर न हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन, वे संख्याएं जो p बटे q के रूप की होती हो तथा p और q पूर्णांक हो और q 0 के बराबर नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर परिभाषा निकल गया ना। सिर्फ आप ये नहीं बता देंगे कि वे संख्या जो p बटे q के रूप की होती है परिमेय संख्या है, ये गलत है हमारे डेफिनेशन। सिर्फ हमको वहां कंडीशन रखना पड़ेगा कि वे संख्याएं जो p बटे q के रूप की होती है, जिसमें p
पी तथा क्यू दोनों पूर्णांक हो और क्यू का मान जीरो के बराबर न हो उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब हमारे पास भाई जितनी भी संख्याएं आपको दिख रही है ये सब परिमेय संख्या है। आप बोलोगे ये तो वन परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि क्यू के रूप का नहीं दिख रहा है। तो हम बोलेंगे भले ही वन ऐसे लिखा हो हम इसमें वन से डिवाइड कर देंगे तो इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यदि इस एक में एक से भाग देंगे तब भी वही होगा। तो अब हमें ये पी बाई क्यू के रूप का दिख गया तो इसका मतलब ये क्या बन गया, परिमेय संख्या। मैं बोलो ये चार परिमेय संख्या है कि नहीं, अगर आपको ये दिख रहा है कि पी बटे क्यू के रूप की नहीं है तो हम इसमें एक से भाग दे देंगे तो देखिए पी बटे क्यू के रूप का हो गया, पी बटे क्यू के रूप का हो गया। और पी और क्यू जो कुछ देखना है दोनों पूर्णांक है कि नहीं तो देखिए चार और एक पूर्णांक है कि नहीं, तो चार भी पूर्णांक है और एक भी क्या है पूर्णांक है। तीसरा कंडीशन हर जीरो है कि नहीं, तो हम देख रहे हैं हर का मान जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये क्या चीज है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या सिर्फ ऐसा न हो कि परिमेय संख्या एक बटे दो हो गया, माइनस एक बटे तीन हो गया, दो बटे पांच, ऐसे भी हो सकता है वन टू थ्री माइनस फाइव माइनस सेवन इत्यादि, ये सब के सब क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। चीजें क्लियर हो गई होंगी, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। प्राकृतिक संख्या का परिभाषा देना होगा तो बोलेंगे वे संख्याएं जो गिनने के लिए प्रयोग की जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद प्राकृतिक संख्याएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, पहला बताएंगे धनात्मक प्राकृतिक संख्या और दूसरा बताएंगे ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। अब धनात्मक प्राकृतिक संख्या क्या होता है, वे प्राकृतिक संख्याएं जो धनात्मक होती है उन्हें धनात्मक प्राकृतिक संख्या कहते हैं और वे प्राकृतिक संख्याएं जो ऋणात्मक होती है उन्हें ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उसके बाद से क्या है, उसके बाद से हमारे पास आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य मिला देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसके बाद से आता है पूर्णांक। क्या परिभाषा देंगे पूर्णांक का, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या मिला देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सामने है, इसके बाद से आता है परिमेय संख्या। तो वे संख्या है जो पी बटे क्यू के रूप की होती है जिसमें पी तथा क्यू पूर्णांक हो और क्यू का मान जीरो के बराबर नहीं हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सारी चीजें सामने आपके। इसके बाद से हमारे पास आता है अपरिमेय संख्या। क्या आता है भाई, अपरिमेय संख्या। तो इसको भी हम समझ लेते हैं ये अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या समझे गया, अपरिमेय संख्या तो सबसे पहले ये पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त की ही नहीं जा सकती है। आ रहा है बात समझ में, तो इसका सिंपल परिभाषा दे देंगे कि वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती है वो की ही नहीं जा सकती है, जबरदस्ती आप बनाने की तो बात छोड़ो वो हो ही नहीं पाएंगे। तो क्या बोलेंगे हम, सिंपल वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती है उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। दोबारा सुन लीजिए क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या का परिभाषा, सिंपल है ऐसे बोलेंगे वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती है उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। दोबारा सुन लीजिए, परिमेय संख्या का क्या परिभाषा हुआ, हमने बोला वे संख्याएं जो p बटे q के रूप की होती है जहां p तथा q पूर्णांक हो और q का मान जीरो के बराबर नहीं हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या का क्या परिभाषा निकला, वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती है उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। जैसे आ गया अंडर रूट दो, अंडर रूट तीन, अंडर रूट फाइव, ये फाइव भी आ जाता है इत्यादि। अब आप बोलोगे ये प्रारंभ के लिए करने वाली चीजें हैं। अब आप बोलोगे सर फाइव का मान तो 22 बटे 7 होता है और 22 भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है तो ये तो p बटे q के रूप की क्लियर दिख रही है और दोनों पूर्णांक के नीचे वाला हर जीरो के बराबर नहीं है तो इसका मतलब कि ये परिमेय संख्या है।
लेकिन हम बोलेंगे कि जो पाई की एक रेट वैल्यू होती है ये 22/7 नहीं होती है, ये चेंज होती है। तो इसका मतलब कि पाई की एक निश्चित वैल्यू न होने के कारण ये अपरिमेय संख्या माना जाता है, न कि परिमेय संख्या। तो ये चीजें क्लियर हो गया। अब हमारे पास ये लास्ट आता है जो हम समझना चाहते थे, ये अब आता है वास्तविक संख्या, दैट मींस रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अब ये जितनी भी संख्याएं आपको दिख रही हैं, इन सभी संख्या को मिक्स कर दें तो हमारे पास क्या बन जाता है, वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तब तो ये सब एक साथ मिक्स होके आ जाते हैं। अब अल्टर होता है अपरिमेय संख्या, तो अगर मैं परिमेय संख्या बोलूं तो इसका मतलब ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या में आ जाएंगी, और अपरिमेय संख्या बोले तो ये इतने अलग हो जाएंगे। तो अगर परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों एक साथ मिला दे तो ये टोटल संख्या मिल जाएगी, और इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। तो अब हमारे पास वास्तविक संख्या का परिभाषा निकल गया है। क्या परिभाषा निकला है, सिंपल ऐसे बोलेंगे, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। दोबारा सुन ले, क्या बोलेंगे, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इतनी चीजें हम समझाने के बाद मैं ये कोशिश करूंगा कि इसके आगे भी कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें समझने हैं। तो पहले आप इतनी चीजें तैयार कर ले, इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे आने वाले जितनी भी तथ्य हैं उनके बात करेंगे। जैसे युग्मित विभाजन प्रवेयिका हो गया, युग्मित विभाजन एल्गोरिथम हो गया, उसके बाद से ऐसे युग्मित विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो गया। ये बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में, बिल्कुल आसान लैंग्वेज और बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से एकदम आसान मेथड का इस्तेमाल करके बता देंगे, और आपको जीवन में कभी भूलेगा नहीं। तो इससे पहले ये सारे वीडियो देख लिए हैं, इसके बाद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। ये मेरे लिए भी बेहतर हो, आपके लिए भी हो।